अभी भाई साहब ने जो बात बोली है उनमें से मैंने एक बात बाहर निकाली है। अभी आपने जातिवाद की बात बताई थी, क्या बात सत्य बोली? अपाणो पतंद्रो वही कारण है, माइनस में जाने को यही कारण है, सिर्फ 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 क्यों? देवता में जातिवाद, मंदिर में जातिवाद। एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, बाद में आकृति जी बोलेंगे, एक मिनट को टाइम ले रही हूं तारो, मैंने बता दीजिए यदि बात सत्य लगे तो। जिस समय मंदिर बनाने की जगह अलॉट हुई कि यह क्या बनेगा, कहीं बने लो मंदिर, नीवा कुंड खोदी, जैसे भी हो, ठेको किने भी हो, जाति पूछी, मंदिरों ठेकारी जाति पूछी, पेशकारी आयो चूनो काट वालो जाति पूछी, सीमेंट हलवन आयो जाति पूछी, चीपा कुंड जलाई जाति पूछी, खंडा कुंड ठाकरी जाति पूछी, भाटा करू गड़ाड़ा जाति पूछी, अडान कुंड बनायो जाति पूछी, ऊपर भाटा कुंड चढ़ाया, रंग रोगन कुंड करियो मंदिर को, प्लास्टर कुंड करियो जाति पूछी, पंखा लगाने कुंड आयो, फिटिंग कुंड करी, कलर कुंड करियो माए, मूर्ति कुंड बनाई, मूर्ति ने कितना दिन लगा, कितनी मूर्ति माते लाता पटक पटक भी गढ़ाई भी, जाति पूछी। यार गोमूत्र को छाट दे, देवता ने मंदिर में बना, ऊपर पीतल को इंडो छाड़ दियो, ताड़ो दे दियो, चौकी जात रो माए बड़े लो बागी बारे रहो, क्यों भाई? नीमा खोदी जाने तो बाहर कौन निकलो भी रहे? यही तो चीज अपने को मारती है साहब, देवता सबके बराबर। इतना महीने के मंदिर में आया गया, छह महीनों मंदिर बड़ तैयार भी हो, यार मत हो तो मोटो तीन नगाड़ा लगा दिया, चार ढोलकियां लगा दी, यार बाहर लिख दिया प्रवेश निषेध, क्यों धार लोन लियो देवता माता? ये चीज ना करे सर, सब अपने भाई है देवता, कभी कोई शास्त्र में लिखो मैं फलाने देवता फलाने जाति को, साहब एकता नहीं है तभी तो हम रो रहे हैं, अपने ऊपर लोग मुझे राज कर रहे हैं। आप कभी जाओ एकता देखनी हो तो शुक्रवार के दिन मस्जिद के सामने खड़े हो जाना, कान हाथ में आ जाएंगे आपके, कान हाथ में आ जाएंगे, 10 मिनट के लिए खड़े हो जाना दोपहर की 2 बजे। बात एकता की बोल रहा हूं, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन मेरे धर्म का कोई अपमान करता तो मैं सहन भी नहीं करता, आंखें निकाल देता हूं, साले की आंख है। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हिंदू धर्म पर कोई अंगुली उठाएगा, आंख उठाएगा, उसे डोले बार नींबू नीचोगे लून भर देंगे खादड़ी में। ये सनातन धर्म है साहब, इसको देख के लोग नकल करते हैं, अपने धर्म की लोग नकल करते हैं। अरे कभी जोधपुर में जाओ, घंटाघर में 2 घंटे खड़े हो जाओ, बड़ा बड़ा अंग्रेज आवे, रिपियाली पार्टियां अपनी अपना परिवेश ने चुराई चुराई बाहर ले जावे, अपना कपड़ा ने बाहर ले जावे, अरे अपना कपड़ा की महिमा बाहर इंग्लैंड में, जापान में, रूस में, क्योंकि अपनी वेशभूषा में तो पावर है। अतः बड़ा बड़ा लोग बाहरों आवे, अपना कपड़ा ले जावे, जावे कि नहीं जावे? और जाडन रही हो कहीं कर रही है, या कोई पटवारी है, बैंक का मैनेजर बनी उड़ा, क्यों कर रही है? साथ देख देख तो सीख सका ना कोई चीज, इसलिए थोड़े बच्चों में वो संस्कार दे दें आप सनातन धर्म वाले, बच्चों में सिखाएं जय श्री राम सुबह उठते ही, जय श्री गौ माता का नारा सिखाएं बच्चों में, ये हाथ हलाना बंद करें। और कहीं रुक रही हो बेटा, स्कूल जा रही हो? बेटो रवाना उतर रहा, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी मैं नहीं जा रही हूँ, कोई मतलब है नहीं जा रही हूँ, टकेदार तानसेन खाओ, इसका मतलब नहीं जा रही हूँ, ऑटो तो निकलू, सिटी बस में तो बैठ गई हो, लेकिन आगे नहीं जा रही हूँ। ये बंद करें केक काटना, मैं इसके खिलाफ है। यदि आपके बच्चों का जन्मदिन मना रहे तो गौशाला में जाए आप बच्चे को लेकर, यदि आपके मन में आ गया कि मेरे बच्चों का जन्मदिन मनाऊ, उस केक के पैसे से आप किसी गौ माता को गुड़ खिला दे बच्चों के हाथ से, देखना फिर आनंद आएगा उस बच्चे का। और भी आपको खर्चा करना तो एक काम और करना, उस बच्चे के हाथ से एक पेड़ लगवा देना गौशाला में, पेड़ गौ माता को ऑक्सीजन मिलेगी, छाया मिलेगी, ये काम करो। सनातन धर्म घाटे में जा रहा साहब, लोग गूगल माते गैल सब अभी हकपण करे तो गूगल माते, रिश्ता करे तो गूगल माते, यार 15 दिनों हम चार दूजे आवे, सबू ज्यादा कमेंट आवे तो अपना साधु संता माता आवे, सबू ज्यादा आलोचना आवे तो अपनी हिंदू सनातन धर्म रही गए, क्योंकि आप हमें कहीं को नहीं। लेकिन अभी मैंने पतो चाल गया शिमला में, जगह पैसा चीज बोलिए थे, हाथ उठा जो बूटी बंद करो, जो पावर बतायो, अब मुझे लगा कि 100% इस गांव से हजारों गांव में एक नई सीख जाएगी, नई तरंग चली गई है दुनिया में,
भाई साहब ने 2:15 एक बात बोली है, दुनिया में बात बिखर गई है यार। एक दो वीडियो इनके वायरल भी होंगे, मुझे पता, पक्का पक्का वायरल होंगे यार। मारवा तो देख दो मुकदमा ही बैठा पक्का आजरा। लेकिन हम उसे घबराने वाले नहीं, क्योंकि 48 वेगा यार मैंने इकोन पूरा करना ही मीनार में मैं कॉल करी एक जनों हाँ मारे हार जीत लगी उड़ी इकोन करना। डरने वाले हम नहीं है, खुला बोलते हैं कि मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के संतों को मंदिरों को कभी गुमनाम नहीं होने देंगे, प्राण छोड़ देंगे लेकिन अब मेरी गौ माता को बदनाम नहीं होने देंगे, चीर देंगे साले को खड़े खड़े बाजार के बीच में। किसी ने आलोचना की मेरे हिंदू सनातन धर्म पर, किसी ने आलोचना की मेरी गौ माता पर, किसी ने आलोचना की मेरे गौ भक्तों पर, तो नहीं छोड़ेंगे उसको, फाड़ देंगे ट्यूब की तरह, चेप देंगे सुले सुनो साथी। डरने वालों में नहीं है सर, इसलिए अपने भाइयों को सिखाए हुआ चीज। कब जागोगे साहब, कब जागोगे? लोग राज कर रहे हैं, वो टाइम आएगा फिर 1300 वाला 1100 वाला। और आज ये हालात है, अपनी बहन बेटी अकेले बाजार में सब्जी लौड़े कौन जा सके, ये हालात है। सही बात बोल रहा हूं, क्यों कारण का है? क्या कारण इसका? अकेलो बच्चों स्कूल कौन जा सके, कहीं कारण? बाबा जी बात अच्छी है, आप बात साची कह रही हूं यार भाई, टेम अवेली पाची। आज ये हालात है, देखा आपने वो लक्ष्मी नारायण मंदिर वाली घटना, अभी थोड़े दिन पहले वीडियो देखा होगा आपने, लक्ष्मी नारायण मंदिर वाला वीडियो देखा आपने, अभी 3 दिन पहले फेसबुक पर आ रहा था, देखा नहीं? देखा, पुलिस सामने खड़ी है भाई, मंदिर के ऊपर खड़ा है, समझ गया? देखिए ना, मैं तुमको बता देना, क्योंकि लाइव चल रहा है, सुबह मामला दूसरा होगा। फिर डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी एकता रखे, जिनकी जिनमें उनमें एकता है, यदि एकता देखनी तो 2 घंटे मस्जिद के सामने शुक्रवार को खड़े हो जाना 2 बजे, आपको एकता दिखेगी। 5 वर्ष को टावर की टोपी और 95 साल का मिनिक्री माता माता है टोपी अटे तो सब फेरे जो कि खाक में गल है ओपो ही को नहीं खेड़ी में टंगी जाना ओपो भी